आइए भक्तों 19वां अध्याय प्रारंभ करें। अब सुनो श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध 19वां अध्याय, जिसमें आगमन हुआ सुखदेव जी का, राजा परीक्षित प्रश्न सुनाए। सूजी बोले राजा परीक्षित, राजधानी में जब थे लौटे, पश्चाताप हुआ अपने कर्म पे, उदास होके वो ये सोचे, कितनी खेद की बात हुई है, नीच कर्म मुनि से किया जो, घोर विपत्ति आए मुझे, ताकि पश्चाताप हो पाप किया जो। मुनि की क्रोधाग्नि में अभी जल के राख हो से न खजाने, ब्राह्मण देव गांवों के प्रति जो, ना हो पाप जाने अनजाने, राजमहल में बैठे राजन करते चिंता अपने आप, तभी पता चला उन्हें ऋषि कुमार का अभिशाप, भला लगा तक्षक का डसना, मिल गया कारण उन्हें जोग का, आसक्त थे संसार में कब से, लोभ नहीं था उन्हें भोग का, मान के सर्वोपरि हरि सेवा, संसारिक भोगों को त्याग कर, लेकर आमरण अनशन व्रत, जा बैठे थे गंगा तट पर, चरण कमल पराग लेकर, गंगा जल होता प्रवाहित, मिश्रित जो तुलसी की गंध से, तीनों लोग होते हैं सुगंधित, बैठे थे राजा परीक्षित, लगा किसी चरणों में ध्यान, तभी पधारे ऋषि मुनि वहां, किया उनका मान सम्मान, उतथ भृगु भरद्वाज पराशर, अत्रि वशिष्ठ च्वन शरद्वान, विश्वामित्र गौतम मेधातिथि, नारद कवश व्यास भगवान, देव ऋषि ब्रह्म ऋषि राज ऋषि आए, छोड़ के अपने अपने धाम, यथा योग्य सत्कार उपरांत, बोले राजन कर प्रणाम, निंदित कर्म से प्राय राजा, दूर रहे मुनि चरण धोवन से, धन हुए अपने स्वभाव से, मुनिवर के कृपा पात्र बन के, प्रभु पधारे शाप के रूप में, पापी हूँ देह के आसक्ति से, उत्प्रेरक वैराग्य का बन के, शाप मुक्त करे आसक्ति से, चित श्री हरि चरणों में समर्पित, अनुग्रह कर शरणागत जान कर, नहीं चिंता अब चाहे तक्षक, या डस ले कोई तक्षक बन कर, आशीर्वाद मुझे दे मुनिवर, मिले कोई योनि ये देह तज कर, रहे अनुराग श्री चरणों में, भौतिक मोह माया को तज कर, कुशासन पर बैठ गए परमवीर महाराज, तभी जन्मे जय को सौंप कर, हस्तनापुर का काज तभी, अनुमोदन में कहकर साधु महर्षियों ने करी प्रशंसा, भजन गाड़े बार बार तब, देवों ने की पुष्प की वर्षा, ऋषिवर तो वैसे ही कृपालु, करते अनुग्रह के स्वभाव से, श्री कृष्ण के गुण से प्रभावित, कहे वचन बड़े प्रेम भाव से, श्री कृष्ण सेवक पांडुवंशी को कोई अचरज की बात नहीं है, राजपाठ छोड़ा एक क्षण में, चाहे कोई साथ नहीं है, हे कृष्ण भक्त हम सभी, तब तक रहेंगे आपके साथ, जब तक नहीं चले जाते,
परम धाम को श्रीमन आप। बोले परीक्षित कर अभिनंदन, मधुर वचन ऋषियों के सुनकर आप पधारे चहुं दिशा से। वेद समान निस्वार्थ विप्रवर, प्रश्न करूं कर्तव्य जानने, उत्तर दे परस्पर विचारा, क्या है कर्म सभी अवस्था, और जो जल्दी मरे बेचारा। उसी समय पे प्रकट हुए श्री सुखदेव जी मुनिराज, पहचानते ही खड़ा हुआ सारा संत और समाज। वर्ण आश्रम चिन्ह रहित थे, आयु 16 अंगल माया, भेष दिगंबर देव समाना, श्याम रंग चित चोटी काया। नेत्र बड़े नासिका थी ऊंची, कान बराबर भौहे सुंदर, लंबी भुजा घुंघराले बाल, उबरी छाती पेट अंदर। यद्यपि तेज छुपा रखा था, मुनियों ने पहचाने लक्षण, यथा योग्य सम्मान किया तब परीक्षित ने नमन और पूजन। स्त्री पुरुष उन्हें न पहचाने, अपने घर को लौट गए सब। ऋषि मुनियों से घिरे सुखदेव जी शेषासन पर बैठे थे अब। बोले परीक्षित हाथ जोड़कर, बड़ भागी हूँ मैं हे भगवन, अपराधी को संत समागम, पावन कर दिया देकर दर्शन। स्मरण मात्र से घर हो पावन, माया का सुख लागे मिथ्या, दर्शन स्पर्श दान आदि अवसर, मिलने पर तो कहना ही क्या। जैसे भगवान विष्णु सामने नहीं ठहरते दैत्य लोग भी, वैसे ही सानिध्य आपके, कट जाते हैं पाप रोग भी। श्री कृष्ण है मुझ पर प्रसन्न, मेरी बुद्धि ने ये सुझाया, अपने फुफेरे भ्राता हित को ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाया। यदि होती न कृपा कृष्ण की, एकांतवासी आप सरीखे, इस मृत्यु के समय हम जैसे मानव को साक्षात क्यों दिखे। परम गुरु आप योगी के, उत्तर दे कृपा मेरे प्रश्न के, मानव मात्र को करना क्या है, कर्म है क्या मरना सन्न के। अंतकरण की शुद्धि के लिए हम किसका जप और त्याग श्रवण करें, पाना हो यदि भगवान को किसका स्मरण और भजन करे। भगवत स्वरूप आप हैं मुनिवर, अहो भाग्य जो आप पधारे, दर्शन आपके अत्यंत दुर्लभ, आप बैठो पास हमारे। गृहस्थ का घर तीर्थ बनाने, उतनी ही देर मात्र आप रहे, गृह स्वामी दूध पाने का, जितनी देर में गाय दूहे। सुन के मधुर वाणी में परीक्षित के ये प्रश्न, तभी धर्मों के मर्म ज्ञाता बोले व्यास नंदन। तभी भक्तों प्रथम स्कंध संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।